Welcome friends. In last chapter, last point, हमने देखा था, स्टडी की थी क्वेश्चन की, एक बड़े क्वेश्चन की. वो क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ फिर से एक बार, क्वेश्चन बताता हूँ. हम देख लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ज्योग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें हमने फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर कंप्लीट किए हैं. तो अभी आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसका पॉइंट का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. देखिए आप यहाँ स्क्रीन पर मोबाइल के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज मतलब पॉपुलेशन में जो बदल होता है वो बदल को से घटक के अनुसार होता है. मतलब जनसंख्या बदल बढ़ना मतलब बढ़ना या कम होना जो होता है पॉपुलेशन जनसंख्या, जो जनसंख्या में जो बदल होता है उसके घटक कौन से हैं, इस पॉइंट का आप एक्सप्लेनेशन करेंगे. देखिए पीपल ऑफ वन रीजन डिफर फ्रॉम अदर. समझ लो हम इचलकरंजी शहर की पॉपुलेशन देख रहे हैं, इचलकरंजी और कोल्हापुर सिटी की पॉपुलेशन की हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं. तो हम देख सकते हैं और देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है इचलकरंजी शहर की वो कोल्हापुर शहर से अलग है. मतलब पीपल ऑफ वन रीजन डिफर फ्रॉम अदर. पीपल कैन बी लाइक आप बोल सकते हैं एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस के हिसाब से, और ऑक्यूपेशन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से और लाइफ एक्सपेंडिचर के हिसाब से एक जगह की जनसंख्या दूसरी जगह की जनसंख्या से डिफरेंट है, अलग होती है. उसमें जो कंपोनेंट हम देखने वाले हैं उसमें से फर्स्ट कंपोनेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जनसंख्या वाढ़ बढ़त. उसमें का सब पॉइंट ग्रोथ है पॉपुलेशन ग्रोथ. देखिए इसमें हमको क्या बताया गया है, द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर टू चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ द टेरिटरी ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम. मतलब हम जब एक जगह का सिटी का तुलना करते हैं, देखते हैं कि वहां की जनसंख्या बढ़ गई है या कम हो गई, तब हम क्या देखते हैं, चेंज देखते हैं, पॉपुलेशन के चेंज. उस शहर की उस जगह की पहले पॉपुलेशन को कितनी थी और अब पॉपुलेशन कितनी है ये हम उसमें देखते हैं. मतलब स्पेसिफिक पीरियड हम देखते हैं, टाइम देखते हैं, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं उस जगह का जो बर्थ रेट बढ़ने के लिए या पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने के लिए हमको जानना पड़ता है. उसमें क्या होता है, दिस चेंज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. वहां तो एक तो जिस जगह पे हम पॉपुलेशन देख रहे हैं एक तो वो पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं. पॉजिटिव मतलब ग्रोथ वाइज और नेगेटिव मतलब डिक्लाइन वाइज, राइट. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो वहां की जो जनसंख्या हम देख रहे थे एक तो वो परसेंटेज होती है और नंबर वाइज होती है. मतलब नंबर वाइज हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई है या कम हो गई है, नहीं तो हम नंबर वाइज भी परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई है या कम हो गई है उसी जगह की. पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अदरवाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं, तो आर्थिक विकास का मुख्य निर्देशक है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पॉपुलेशन, राइट. इट कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट, दैट इज फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड इफ पॉपुलेशन रिड्यूस.
ऐसे भी देख सकते हैं, जनसंख्या कम हो जाए तो वहां की पॉवर्टी भी कम हो सकती है। इसका मतलब है पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलप देश की इकोनॉमी या शहर की इकोनॉमी, स्टेट की इकोनॉमी जब बढ़त होनी होती है या बढ़नी होती है तो पॉपुलेशन चेंज कितना हुआ है ये भी देखना जरूरी पड़ता है। देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के बारे में हम जो कंपोनेंट देखने वाले थे उसमें का फर्स्ट कंपोनेंट है बर्थ रेट, जिसके वजह से हमें पता चलता है पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है या घट हुई है, कम हुई है पॉपुलेशन। तो बर्थ रेट मतलब क्या? तो बर्थ रेट इज द एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। हर 1000 जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वाला लाइव बच्चा, लाइव बर्थ, वो कहलाता है बर्थ रेट। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता 2019 साल में एक जगह पर, एक शहर में, एक सिटी में 3250 बर्थ बच्चों की हुई है और वहां की पॉपुलेशन थी 223,000। तो हमको बर्थ रेट निकालना है। तो बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? तो 3250 डिवाइडेड 2,223,000 इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000, मतलब 1000 जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वालों लाइव बच्चों की प्रमाण या बच्चों के प्रमाण, तो कहलाता है बर्थ रेट। और बर्थ रेट कितना है ये देख कर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है या नहीं। तो ये फर्स्ट इंडिकेटर है। सेकेंड इंडिकेटर डेथ रेट, जिसको हम मराठी में मृत्यु दर कहते हैं, मतलब मरने वालों लोगों की संख्या, सेम एज अ बर्थ रेट। देखिए डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। जैसे पॉपुलेशन में बदल हुआ है या नहीं, जनसंख्या में बदल हुआ है या नहीं, जैसे बर्थ रेट के हिसाब से हम देखते हैं, उसी तरह डेथ रेट के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑकर नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है, बढ़ जाते हैं पॉपुलेशन, उसका एक ही कारण नहीं है बर्थ रेट। तो डेथ रेट, मृत्यु दर जो कहते हैं हम, वो भी घटना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं बर्थ रेट बढ़ गया है और पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ग्रोथ हुई है। ठीक है, ऐसे बर्थ रेट और डेथ रेट हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जगह की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई या नहीं। तो कुछ मैं आज आपको एक फॉर्मूला दिखाने वाला हूं। बर्थ रेट का फॉर्मूला हमने देख लिया था, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर डिवाइडेड टोटल पॉपुलेशन इन दैट ईयर मल्टीप्लाई 1000, इज द फॉर्मूला फॉर बर्थ रेट। सेकंड फॉर्मूला इज डेथ रेट, टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर डिवाइडेड टोटल पॉपुलेशन इन दैट ईयर मल्टीप्लाई 1000। ये दो फॉर्मूले बर्थ रेट और डेथ रेट के लिए है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, हमें देखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है या नहीं। तो देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन माइनस अर्लियर पॉपुलेशन, मतलब पहले की जनसंख्या इसको माइनस करेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन से, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन आगे आ जाएगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन तो ज्यादा होगी ना, तो पहले आ जाएगी प्रेजेंट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई अर्लियर पॉपुलेशन। तो डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है या नहीं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अभी पॉपुलेशन ग्रोथ तो हुई है पर किस रेट से ग्रोथ हुई है यह निकालने के लिए हम देखेंगे फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला है पॉपुलेशन ग्रोथ डिवाइडेड अर्लियर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं तो इसलिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो जो हमें फिगर मिल जाएगी वो होगी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ बर्थ रेट और डेथ
की टेबल भी है, फिगर्स भी है, जैसे चाइना और इंडिया की हर हम कोष्टक में तुलना करते हैं, इसी कोष्टक में हम इंडिया और चाइना का देखेंगे। इंडिया का बर्थ रेट है 2070 का 18.1 और डेथ रेट था 7.2 और चाइना का था बर्थ रेट 12.4 और डेथ रेट था लगभग जैसे इंडिया का था उतना ही चाइना का था 7.1। तो ये दोनों देशों की तुलना करकर हम ये बता सकते हैं कि बर्थ रेट बढ़ रहा है चाइना से ज्यादा। अभी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के बारे में चाइना तो वन नंबर पर है, पर इंडिया का बर्थ रेट चाइना के बर्थ रेट से ज्यादा है, ऐसे हम तुलना कर सकते हैं इस डायग्राम से। और डेथ रेट तो सेम ही है, और डेथ रेट को देखकर हम ये भी हिसाब लगा सकते हैं कि डेथ रेट कम रह हो रहा है चाइना का भी और इंडिया का भी। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कहते हैं विस्फोट, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है पर उसका भी एक्सप्लोजन भी हो रहा है, विस्फोट भी होने की अवस्था भी है, क्योंकि डेथ रेट से बर्थ रेट ज्यादा है इंडिया का और चाइना का भी। जिस तरीके से डेथ रेट सभी देशों का कम है और सभी देशों का बर्थ रेट ज्यादा है, इससे हम हिसाब लगा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ रहा है, तो एक्सप्लोजन होना ही होना है, विस्फोट होना ही होना है। तो ये पॉइंट हम देखते हैं। यू नो दैट बर्थ रेट एंड डेथ रेट डिटरमाइन द ग्रोथ और डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। हमें पता ही है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है या डिक्लाइन हुआ है पॉपुलेशन, तो हम क्या देखते हैं बर्थ रेट और डेथ। डेथ रेट से बर्थ रेट जब ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, और समझ लो कि बर्थ रेट से डेथ रेट ज्यादा है, मतलब कम है, बर्थ रेट से डेथ रेट कम है, तो हम कहते हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। नीचे टेबल नंबर 1.5 दिखाया गया है, इसमें आप राइटिंग कर सकते हैं कि बर्थ रेट तो ज्यादा होगा, डेथ रेट ज्यादा होगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होगी, स्टेबल होगी और लो होगी। आगे के जो टेबल है, बर्थ रेट हाई होगा, डेथ रेट डिक्रीजिंग कम हो रहा होगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगी, ऐसे हिसाब लगाकर आप टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। देखिए जनरली अ कंट्री एक्सप्रेसेस वेरियस स्टेजेस इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। सॉरी, कंट्री एक्सप्रेसेस वेरियस स्टेजेस इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। जब एक कंट्री की देश की पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है उस कंट्री को। इट नेवर एक्सपीरियंसेस द सेम रेट ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइन। आपको पता है ये सेम रेट का कभी भी नहीं होता ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। Along the economic development, tendency of birth rate and death rate are different. जब हम economic development के हिसाब से tendency से birth rate और death rate देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है वो difference. Hence, growth rate of population also varies. The theory of demographic tradition ट्रांजेक्शन इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ट्रेड ऑफ अ कंट्री विद टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ कंट्री पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इट मे टेक सेवरल इयर्स टू पास थ्रू अ स्टेज। दे आर एज फॉलोज। स्टेज नंबर वन, देखिए स्टेज नंबर वन है हाई स्टेशनरी स्टेज।
बोथ इसमें क्या होता है, देखिए हाई स्टेज रहते हैं, जब पॉपुलेशन ग्रोथ देश में जब पॉपुलेशन बढ़त होती है बढ़ती है ग्रोथ होती है तो उस पॉपुलेशन को डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। वो स्टेजेस हम देखने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज इज हाई स्टेशनरी स्टेज। ठीक है, बोथ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स आर हाई ड्यूरिंग दिस फेज। इस स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट भी ज्यादा होता है और डेथ रेट भी ज्यादा होता है। तो इसके लिए तो हाई स्टेशनरी स्टेज ये कहलाता है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल, बर्थ रेट और डेथ रेट सेम रहेगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो स्टेबल रहेगी ना। आगे देखिए, बर्थ रेट आर हाई बिकॉज हैविंग लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड टू बी गुड आइडिया। देखिए बर्थ रेट, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं, बर्थ रेट आर हाई बिकॉज हैविंग लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड टू बी गुड आइडिया। एट दिस स्टेज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंट्री इज नॉट डेवलप्ड। इस स्टेज में जब हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेज होती है कंट्री की भी, उस देश में फाइनेंशियल पोजिशन जो होती है कंट्री की वो बहुत सी डेवलपमेंट नहीं हुए होती है। इट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और सिमिलर प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जो पहली स्टेज होती है देश की प्राइमरी स्टेज, तो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या प्राथमिक फर्स्ट मतलब एग्रीकल्चर और सिमिलरली प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर डिपेंड होती है, लाइक एग्रीकल्चर। पीपल एंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज आर निग्लिजिबल। मतलब द्वितीय वो तृतीय सेकेंड और थर्ड जो क्या कहते हैं हम ऑक्यूपेशन होते हैं, सेकेंडरी और थर्ड जो ऑक्यूपेशन होते हैं उसमें काम करने वाली जनसंख्या निग्लिजिबल मतलब नगण्य होती है। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड। इस फर्स्ट स्टेज में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती है। फर्टिलिटी रेट्स आर हाई, फैमिलीज आर बिग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट डेवलप्ड। इस प्रकार इस स्टेज में हम देख सकते हैं एजुकेशन फैसिलिटीज लिमिटेड होती है, फर्टिलिटी रेट हाई होता है, फैमिली बिग होती है सबकी, साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट नहीं हुई होती है। इस प्रकार इस फर्स्ट स्टेज से देश गुजर रहा होता है और उस स्टेज में जितनी बर्थ रेट है उतना ही डेथ रेट होती है, इसलिए ये स्टेज कहलाता है हाई स्टेशनरी स्टेज। नाउ सेकेंड स्टेज, अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। देखो टेक्नोलॉजी एक्सपांशन ऑफ साइंस ऑकर एंड डेवलपमेंट स्टार्ट। इस स्टेज में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी साइंस डेवलपमेंट हो रही होती है, डेट फॉर मेडिकल एंड हेल्थ आर केयर सर्विसेस आर स्टार्टेड एक्सपांडिंग। सेकेंड स्टेज में हम देख रहे हैं मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विसेस बढ़ रही होती है, एक्सपांडिंग हो रही होती है। एक्सपोर्ट्स आर अंडरवे टू कंट्रोल एंड कम बैक दिस स्टेज। देखिए एक्सपोर्ट आर अंडरवे, एक्सपोर्ट बढ़ रही होती है, कंट्रोल में हुई होती है देश के जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज आ रही है, होती है उस टाइम कंट्रोल में होती है। दिस लीड्स टू रिडक्शन इन मॉर्टेलिटी। उसकी वजह से जो मृत्यु दर है डेथ रेट है वो कम हो जाता है, बट द बर्थ रेट इज कॉन्स्टेंट। पर उस टाइम बर्थ रेट जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली। उसकी वजह से ये स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली होता है। प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इंक्रीज। सेकेंड स्टेज में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन भी बढ़ रहा होता है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इंक्रीज जो डिपेंड है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर वो बढ़ रहा होता है।
efforts to control the population are launched. The developing countries with high population are currently undergoing this phase. This stage is also known as population explosion phase. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. दिस स्टेज मतलब सेकंड नंबर स्टेज दैट इज द अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज इज नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज. ओके नाउ थर्ड स्टेज, स्टेज नंबर थर्ड, लेट एक्सपांडिंग स्टेज. इस स्टेज में जनसंख्या कैसी होती है तो देखे द रिडक्शन डेथ रेट इन द सेकेंड स्टेज इज स्टिल डिक्रीजिंग इन द स्टेज टू. इस स्टेज में भी थर्ड स्टेज में सेकेंड स्टेज में जो बर्थ डेथ रेट थी जो डिक्रीजिंग हो रही थी तो इस स्टेज में मतलब थर्ड स्टेज में और भी डिक्रीजिंग होती हुई हमको देखने को मिलती है. बर्थ रेट देखिए, बर्थ रेट आर ऑल्सो डिक्रीजिंग नाउ. बर्थ रेट भी थोड़ी सी डिक्रीजिंग हुई है. This reduces the rate of population growth. जैसे देखिए death rate तो decreasing हो रही है पर birth rate भी decreasing हो रही है अभी. इसके वजह से population growth थोड़ा under control में रहता है. But the population is still growing because birth rate are higher than the death rate. फिर भी death rate से birth rate इस stage में थोड़ा सा ज्यादा रहता है तो population तो बढ़ती रहेगी, बढ़ने वाली है. As the progress of the country is accelerating, the income of people of the country is above the subsistence level. Their standard of living is elevated. Poverty is decreasing. Use of technology is seen to be expand. Secondary and tertiary activities expand. मतलब second or third occupation increase. Education level of the population are also increased. People now know the importance of family planning. Family size reduces. Countries that are moving towards developed stage from developing are going through this stage. For example, China. Okay. Now, stage number four. Low stationary stage. The birth rate in this third stage is now lower further. मतलब stage number three से भी ज्यादा birth rate अभी कम हो रही है. The standard of living is very high. लोगों का standard of living बढ़ जाता है इस stage में. Economic condition of the country and the economic status of the citizens improve a lot. Secondary and tertiary occupation have a higher share than primary. The death rate also very low and the best medical facilities are available. इस स्टेज में death rate है बहुत कम हो जाता है because of medical facilities available. Epidemic like cholera, plague, etc. have been eliminated. People are health conscious. The birth rate is not less than the death rate but it's also almost the same. Therefore, population growth is minimal. For example, developed countries like USA are going through this phase now. Okay, देखिए आज हमने ये फोर स्टेज कंप्लीट किए. अभी के स्टेज कंप्लीट जो लास्ट स्टेज है तो लास्ट पीरियड में हम देखेंगे जहां हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और हम आगे का टॉपिक उसी दिन शुरू करने वाले हैं. तब तक बेस्ट ऑफ लक. स्टडी करते रहिए, हर दिन ये वीडियो देखते रहिए, स्टडी करते रहिए, नोट्स निकालते रहिए. स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.